मोदी 3.0 में तेज रिफॉर्म और मजबूत सरकार की उम्मीद में बाजार में तूफानी तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स ने नया हाई छुआ, निफ्टी भी 23,200 के पार निकला, निफ्टी बैंक भी फुल जोश में नजर आया। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी देखी गई। लगातार 8वीं बार मॉनेटरी पॉलिसी में RBI ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा। इस साल का GDP अनुमान 7% से बढ़कर 7.2% किया। 5 साल बाद ECB की दरें घटाने से IT सेक्टर दौड़ा। निफ्टी IT इंडेक्स 3% से ज्यादा ऊपर चढ़ गया। इन्फोसिस विप्रो को फोर्ज में 4% से ज्यादा का उछाल नजर आया। रियलिटी शेयरों में लगातार तीसरे दिन फुल जोश नजर आया। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 1.5% ऊपर चढ़ गया। शोभा सेंटेक बी ग्रेड में 7 से 8% की जोरदार तेजी देखी गई। इधर आज डीलर्स की डीलिंग रूम्स में 2 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। डीलर्स ने आज सेल और टाटा पावर के शेयरों में दाव लगाने की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। CNBC आवाज के यतिन मोता ने डीलिंग रूम्स के सूत्रों के हवाले से कहा कि आज डीलर्स ने मेटल सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करवाई है। डीलर्स ने सेल के शेयर में खरीदारी करने की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स ने कहा कि इसमें F&O ट्रेंड के आधार पर BTST रणनीति अपनाने, यानी कि आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। आज मेटल शेयरों में निवेशकों ने खरीदारी की है। डीलर्स के मुताबिक शेयर में जल्द ही 155 से 156 रुपए का लक्ष्य दिखना संभव है। दूसरे स्टॉक के रूप में डीलर्स ने आज टाटा ग्रुप के शेयरों में बुलिश राय दी। यतिन मोता ने कहा कि डीलर्स ने टाटा पावर के शेयरों में खरीदारी की राय दी है। डीलर्स के मुताबिक शेयरों में शॉर्ट कवरिंग हुई है। HNIS ने शेयर में खरीदारी की है। डीलर्स का कहना है कि शेयर में 455 से 465 रुपए तक के लेवल संभव है। इसमें 6 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है।